आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। चलिए देख लेते हैं हैदराबाद से जुड़ी हुई इस खबर को। 23 जनवरी 2020 में जियागुड़ा में एक मर्डर हुआ था। सचिन नाम के एक युवक का मर्डर हुआ था। पुलिस ने इस मामले को लेकर पूरी तफ्तीश कर ली है और इसी को लेकर प्रेस वार्ता की है। चलिए जानते हैं कि आखिर किन कारणों से सचिन का मर्डर किया गया था। 23 तारीख के दिन रात में आसपास 9 बजे और 10 बजे के बीच में एक जियागुड़ा कमेले में एक मर्डर हुआ बोलकर पुलिस स्टेशन की इंफॉर्मेशन आया। इंस्पेक्टर और उसका स्टाफ कमेला जाके देखे तो उधर सचिन बोलकर व्यक्ति को हथियार से चाकू से मार के उसको मारा करा। उधर इंक्वायरी करे तो ये सचिन कार्तिक बोलकर उधर सुनने आ रहा। तो कार्तिक और सचिन के बीच में मनी ट्रांजैक्शन है। कार्तिक 5 लाख रुपीस का गोट्स उसको बकरे ने उसको सचिन को दिया था। वो सचिन 2.5 लाख दिया और 2.5 लाख देने के लिए मैं बहुत दिन से पूछ रहे कार्तिक पूछ रहे तो ये सचिन उसको डरा रहे कहते मार रहे कहते उस मन में रख ले के आज शाम में आसपास 7 बजे के टाइम पे कार्तिक सचिन के घर को जाके उसको बुला लेके पुराना पुल चौरस्ता आके एक बीयर बॉटल्स ले लेके फिर सीधा कमेला में जाके कमेला में बैठ के दोनों पीने के बाद वो उन्होंने ऑलरेडी प्लान बना लिए थे उसको मारना कैसा तो बोलकर बाद में उन्होंने पैसे पूछे तो दोनों के बीच में गड़बड़ हुआ। वो मिर्ची पाउडर ऑलरेडी लेके आया कार्तिक ने मिर्ची पाउडर उसका आंखों में डाल के गर्दन भी काट दिया। उन्होंने स्पॉट डेथ हो गए। आज एक कार्तिक को कस्टडी में ले लेके उसको इंटरोगेशन करे तो पूरा क्या करे कैसा करे मर्डर पूरा बोल दिया। आज उसको अरेस्ट करके फर्दर एक्शन के लिए कोर्ट के सामने पेश कर रहे हैं।